अस्सलामुअलैकुम। एक दोस्त ने कमेंट करके हमें बोला ये शटल जो रड होता है ना उनको चेंज करना है, यहाँ गियर बॉक्स रहता है। ये देखिए ये गियर बॉक्स यहाँ पे ये रहता है, तो शायद उनको ये चेंज करना है या ये चेंज करना है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे बोले रड चेंज करना है, तो मैं उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे खोलना है, तो मैं तरीका बता देता हूँ, आप देख के खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स रहता है, तो मैं ये बॉक्स खोल के पहले ही से हटा दिया था, क्योंकि इसका ग्रीस है ना सूख जाने के बाद मशीन जाम चलती है, इसलिए मैं इसको खोल के हटा दिया। क्योंकि ये रहा तो ग्रीस ज़रूरी है। देखिए इसका ग्रीस बिल्कुल सूख गई है, इसीलिए मैं हटा दिया इसको। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। ये ढीला हो गई, नाच रही है। यहाँ पे भी हम दो बोल्ट रहता है, इसको खोल लेंगे। यहाँ पे एक बोल्ट है, ये देखिए इसी से पूरा इंजन चलती है, मेन इंजन का यही हुआ। अब ये बोल्ट खोलना भूल गए थे, ये वाला बोल्ट खोल लेंगे। कटिन प्लेयर लेंगे, कटिन प्लेयर से हल्का इसको दबा के ऐसे करके बाहर कर लेंगे। और इसको हल्लू से ना इसको उठा के हिफाजत से ऐसे रख लेंगे। अब इसको हल्लू हल्लू करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह निकाल के अब इसको, ये रड में अगर कुछ ख़राबी है तो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये बॉक्स गियर चक्की इसमें अगर कुछ ख़राबी है, अगर ये घिस गई है, घिस जाने की वजह से भी है ना सिलाई सही नहीं आती है और बहुत मशीन जाम चलती है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी दो बोल्ट रहता है, इसको भी खोल के बाहर निकाल सकते हैं और फिटिंग कर सकते हैं। और ये रड को भी चेक कर लीजिए कि कहीं पे भी ये बैंड तो नहीं ना है, अगर बैंड रहेगा तो आपको मशीन जाम चलेगी। अब इसको हम फिट कर देते हैं। इसको हम पहले इसमें फंसा लेंगे। यहाँ पे जो गोल चक्री है ये फंसेगी तभी ये नाचेगी। ये सही से अंदर गया नहीं, इसको थोड़ा मारना पड़ता है। बस
अब इसको घाट मिलाएंगे, एक घाट रहती है और घाट के हिसाब से वोल्टेज आएगी। देखिए यहाँ पे एक घाट रहता है, एकदम बारीक ऐसा घाट रहता है, वे घाट पे हम ये बोल्ट को टाइट कर लेंगे। पहले हम इसको ये बोल्ट को टाइट कर लेंगे ताकि हमारा ये सपोर्ट हो जाए। ये बोल्ट को हम अच्छा से टाइट कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे कि जरा भी हिले ना। मैंने इसको लगाना भूल गया। ये साइड का है, ये वाला जो बोल्ट है ये साइड का है, ऐसे देख लेंगे, और ये वाला बोल्ट ये साइड का है। अब इसको फिर से हम इसको फंसा लेंगे, पहले देख लेंगे घाट किधर है, घाट ऐसे ऊपर पकड़ लेंगे, बोल्ट भी ऐसे पकड़ लेंगे क्योंकि इसमें बोल्ट लगी हुई है, बाद में अंदाज नहीं मिलेगी। ये देखिए कुछ शटल है ना, कुछ ज़्यादा बाहर हो गई, तो अब क्या करेंगे, ये रड को थोड़ा अंदर इधर बाहर निकालेंगे, तो हम फिर से ये बोल्ट को हल्का हल्का ढीला करेंगे तो ये बाहर आएगी। अब इतना पे फिट कर लेंगे। ये थोड़ा जाम पड़ रही है, देख लेते हैं जाम कहाँ कहाँ हो रही है। पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं। अब थोड़ा कम है तो अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको खोल के थोड़ा इधर हटा लेंगे। अब बस इतना पे हम टाइट कर लेंगे।
बस इसी तरह आपको फिटिंग कर लेना है, जैसे मैं खोल के दिखाया उस तरह खोल के फिर से आपको फिटिंग कर लेना है। या आप ये ख़राब है तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो रेड को चेंज कर सकते हैं। और एक काम और आपको दिखाता हूँ, जब ये खोलेंगे ना, यहाँ पे बॉक्स रहती है, बॉक्स खोलेंगे तो क्या कीजिएगा, उसका ये ग्रीस सूख जाती है, तो आप उसको साफ़ कर लीजिए अच्छा से ये मिट्टी तेल डाल के। उसके बाद क्या कीजिए, ग्रीस तो हमेशा हर आदमी के पास नहीं रहती है, ग्रीस जैसा ही काम करती है, तो इसको क्या कीजिए आप इसमें अच्छा से लगा लीजिए। अब आपको समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताएं।